हेलो एवरीवन, कोर्सेरा पीएससी में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर में ये हमारा सेट है, सेट नंबर 4। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि आसियान का जो 9वां समिट हुआ है डिफेंस मिनिस्टर्स का, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में समझेंगे, आसियान से इसका कोरिलेशन समझेंगे, इसके गठन के पीछे के मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे मानगढ़ नरसंहार, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों हुआ था, और इसको जनजातीय जलियाबाग हत्याकांड क्यों बोला जाता है, इसको जनजातियों का जलियाबाग हत्याकांड क्यों जोड़ करके इसको देखा जाता है, कैसे इसमें 1500 लगभग लोगों की हत्या हो गई थी, इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज हम देखेंगे इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के बारे में। फिर देखेंगे अगला हम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये क्यों चलाया जा रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसका उद्देश्य क्या है, ये अन्य साक्षरता कार्यक्रमों से क्यों भिन्न है। साथ ही हम देखेंगे ब्लैक कोरल काले परवाल के बारे में देखेंगे, SAR-3 रेडियो टेलीस्कोप के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे जो 7वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मिट हो रहा है भारत में उसके बारे में देखेंगे, दिल्ली में हो रहा है ये, इसके बारे में देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसका ओरिजिन देखेंगे, कब शुरुआत हुई थी, इसके मूल उद्देश्य क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको क्यों लाया गया है, और इसके हम लोग मतलब इसके फ्यूचर को लेकर के इसका दृष्टिकोण क्या है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सम्मिट के बारे में, ये चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट EOS फोर्स छोड़ा गया है भूटान का एक सेटेलाइट है उसके बारे में भी हम देखेंगे, भूटान सेट, इसके साथ इसके मूल विशेषता क्या, 2022 का पहला सेटेलाइट था, इस सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यूनेस्को की एशिया प्रशांत पुरस्कार जो दिया गया है इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, इसमें भारत के 4 साइट्स को दिया गया है एशिया प्रशांत पुरस्कार। फिर UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक देखेंगे। तो चलिए हम पहला देखते हैं, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक 9वीं बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है, कंबोडिया के सीएम रिप में, एक उसका क्षेत्र है सीएम रिप, वहाँ पे हुई है कंबोडिया में। ये बातें आपको याद रखने की जरूरत है, 2007 से इसकी शुरुआत होती है, इसका ओरिजिन जो होता है रक्षा मंत्रियों की बैठक की 2007 में सिंगापुर की आसियान बैठक होती है, वहीं से इसने शुरुआत की, ADMM+ की शुरुआत हुई, और इसकी पहली बैठक हनोई में होती है, हनोई वियतनाम में होती है इसकी पहली बैठक, आयोजित की जाती है 2010 में। फिर अगर देखें 2021 में कहाँ पे हुआ था, तो बुरनेई में हुआ था 2021 में, ADMM+ की अध्यक्षता की थी बुरनेई ने, लेकिन 2022 की कर कंबोडिया सीएम रिप उसका एक रीजन है कंबोडिया का, वहाँ पे हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, गठन के पीछे किसका, आपको पता होगा आसियान जो है वो क्या करता है, पूर्वी देशों का समर्थन करता है, दक्षिण पूर्व देशों का आपस में एक संगठन है आसियान। वैसे ही इसका और विस्तार करने के लिए इसमें कुछ अन्य देशों को भी सम्मिलित कर लिया गया। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है, US सम्मिलित है, इंडिया सम्मिलित है, इंडिया अगर सम्मिलित है तो आपको देखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, फिर साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड और रसिया इसमें सम्मिलित हैं। टोटल अन्य देश मतलब 10 देश आसियान के हो गए और 8 देश ये, टोटल 18 मेंबर हैं इसके ADMM+ में। इसके बारे में अगर देखें इसका मूल उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा को लेकर के बढ़ावा देना है, इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन बना पाएँ, मानवीय सहायता और आपदा में राहत प्रदान कर सकें, जैसे कि सुनामी और ज्वालामुखी फटने की क्रिया में एक दूसरे को सहायता प्रदान कर सके, तात्कालिक रिलीफ प्रोवाइड करा पाएँ, इसलिए इसका गठन किया गया। साथ ही साथ जो शांति अभियान है और सैन्य चिकित्सा, इन सभी में भी आपस में काम कर पाएँ। अगर आसियान के गठन की बात कर लिया जाए, आसियान का गठन 1961 में होता है, ये कुछ फैक्ट थे आपको याद रखने की जरूरत है, प्रीलिम्स से आपसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, स्पेशली आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी ADMM+ की कौन से नंबर की बैठक हुई है, तो आप याद रखें 9वीं नंबर की बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है, कंबोडिया में हुई है, सीएम रिप उसका एक रीजन है वहीं पे हुई है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मानगढ़ नरसंहार, ये 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, इसमें लगभग 1500 से अधिक भील जनजातियों को मार दिया गया था, इसी घटना की वजह से इसको आदिवासी जलियाबाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था। होने के पीछे कारण क्या थे, कारण ये थे गुजरात और राजस्थान में रहने वाले भील जो बंधुआ मजदूर थे, जो भील थे आपको पता है ये ट्राइब हैं, इनको बंधुआ मजदूर बना दिए थे अंग्रेजों ने, अब इनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि इन पर बहुत सारे कर लगाए जा रहे थे, इनको सस्ते में काम करवाया जाता, खाने के लिए अच्छी मिल नहीं रहती, इसलिए इनमें धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, भीलों की स्थिति समय के साथ खराब होने लगी 1900 के आसपास आते आते, क्योंकि अकाल, भीषण अकाल पड़ रहा था, लाखों से अधिक लोग मारे जा रहे थे इसमें, इसी वजह से कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना जागृत हुई, अब ये विद्रोह करना शुरू किए। साथ ही साथ उसी समय एक कार्यकर्ता थे गुरु गोविंद गिरी,
इनके बारे में आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है गुरु गोविंद गिरी का संबंध किन से है, या फिर कथन में दिया जैसा मानगढ़ नरसंहार में गुरु गोविंद गिरी की भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। गुरु गोविंद गिरी भी इसमें सम्मिलित होते हैं और अंग्रेज और भील के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयत्न करते हैं। इनका भी उसमें कुछ ना कुछ मोटिव था, क्योंकि इनके अनुयायियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने कहा कि चलिए हम मध्यस्थता करवा देते हैं, गुरु गोविंद गिरी ने। लेकिन इनकी मध्यस्थता को अंग्रेजों ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने को जैसे हुआ क्या कि भील जो थे शांति को, जो अंग्रेजों का प्रयत्न हो रहा था शांति स्थापित करने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अंग्रेजों ने बोला 15 नवंबर 1913 तक आपको मानगढ़ जो पहाड़ी खाली करना पड़ेगा भीलों से, लेकिन भीलों ने खाली नहीं किया और अंततः 17 नवंबर 1913 को ये पूरी घटना घटित हुई। कहाँ पे हुई ये देखेंगे आप, गुजरात और राजस्थान के सीमा पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको याद रखने की जरूरत है। ये राजस्थान में इनको धनुषधारी भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभी सिंह थोड़ा सा देख लीजिए इनके बारे में। भील सबसे बड़ी जनजाति, आपको पता होगा इनको दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, मध्य और शुद्ध भील, मध्य भारत के भील या शुद्ध भील कहते हैं। दूसरे हैं पूर्वी या राजपूत भील, ये दो वर्गों में इनके विभाजित किया जाता है। इनका बहुत भारत के लगभग हर क्षेत्र में विस्तार इनका देखेंगे, विस्तार देखने के लिए मिलता है। ठीक, अगर कुछ अन्य चीज़ें देखें तो देखिए, ये भील जो है आर्यों से पहले के हैं, मतलब ये मूल निवासी भारत के हैं, और इनका उल्लेख महाभारत रामायण में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इंडिया फर्स्ट, इंडिया का पहला जो है नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC के बारे में देख लेते हैं। अभी ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित किया गया, भारत का पहला है ये नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस के बारे में, जो जीवन से संबंधित विज्ञान है उसके बारे में डेटा इकट्ठा करके रखेगा, लोगों के हाव भाव, लोगों के जीन के बारे में डेटा रखेगा। पहले होता क्या था कि भारतीय जो रिसर्चर्स होते थे वो अमेरिकन और यूरोपियन डेटा पर निर्भर रहते थे, अब उनकी निर्भरता इससे कम होगी इसकी गठन की वजह से। जो रीजनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल था साइंस का फरीदाबाद में, अब उसी को नेशनल सेंटर बना दिया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। और इसे डेटा लेने के लिए तो आपको पता है कि मध्यस्थता दूसरे सब सेंटर से जाकर के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा इसके डेटा का। अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको लेना पड़ेगा सब सेंटर से जाकर डेटा, डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी सिक्योर हो गया, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके जीन से संबंधित सारे ब्यूरो इसमें काफ़ी सिक्योर तरीके से रखे जाएंगे। बहुत बड़ा डेटा है यहाँ पे इकट्ठा करके रखा जाएगा पूरे भारतवासियों का, कि भारत के अनुवांशिक रूप से भारत के लोगों में किस तरह की बीमारी पाई जाती है, उनका जीन किस तरीके का है, ये सारे ब्यूरो इसमें मिलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो अनप्रौढ़ लोग हैं, मतलब यंग एज के लोग, उनको किस तरीके की शिक्षा दिया जाए ताकि वो अपना बेहतर जीवन निर्वाह कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। 2022 से 2027 के लिए है ये कार्यक्रम, और इसमें ये रखा गया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में इसमें 21वीं सदी के लिए नागरिकों को आवश्यक सभी मूलभूत घटकों को तैयार किया जाए, जिसमें अंकगणित, साक्षरता, आधारभूत लिखने पढ़ने की विशेषताओं के साथ साथ उनमें कुछ कौशल हो, कौशल के साथ व्यावसायिक कौशल दिया जाए, बुनियादी शिक्षा दिया जाए, सतत शिक्षा दिया जाए ताकि वो अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाएँ। जैसे कि हो गया, मान लीजिए वित्तीय साक्षरता की बात, अगर कोई और रेहड़ी लगाता है तो भी उसको वित्तीय साक्षरता की समझ होनी आवश्यक है, अदरवाइज उसके जो अकाउंट से पैसे आएंगे दूसरे कोई गायब कर देंगे, साइबर थ्रेट के वो हमेशा वल्नरेबल रहेंगे साइबर थ्रेट को लेकर के। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए लाया गया था डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य को देखभाल होगा, जागरूकता पर बल दिया जाएगा, और साथ ही साथ परिवार कल्याण जैसे बस पक्षों पे भी काफ़ी बल दिया जाएगा। इसमें स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इनमें कौशल प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ प्रारंभिक, माध्यमिक और मध्य स्तरीय साक्षरता को भी इसमें सम्मिलित किया गया, मतलब बुनियादी शिक्षा इसमें प्रदान कर दी जाएगी। इसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 5 साल के लिए है, याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृत, खेल और मनोरंजन से संबंधित भी पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया ताकि उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उनकी रुचि के अनुसार उनको बढ़ावा दिया जा सके। ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। और यूएन कैबिनेट ने, मतलब हमारे यूनियन कैबिनेट ने इसको कब किया, अप्रूव किया 2022 से 2027 के लिए। अब अगर आपसे बजट पूछा जाए तो 1037 करोड़ रुपये का है ये बजट, इतनी बातें यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, वैसे आपसे बजट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, काले परवाल के बारे में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में लगभग 2500 फीट, मतलब 762 मीटर गहराई में काले परवाल की 5 प्रजातियों की खोज की। ये उथले जल में पाए जाने वाले जो रंगीन परवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनके विपरीत जो काले परवाल होते हैं ये फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो होते हैं जू प्लैंकटन्स, उनको ये सेवन करते हैं उनका, और अपने आप को सर्वाइव करते हैं। जो काले शैवाल होते हैं, मतलब सीधी सी बात ये है
कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो काले परवाल होते हैं और जो कलरफुल परवाल होते हैं उथले जल में पाए जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सारा जीवन सर्वाइव करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये सेवन करते हैं किसका, प्लैंकटन्स का, छोटे जो प्लैंकटन्स होते हैं उनका सेवन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। साथ ही साथ जो परवाल होते हैं समुद्री अकशेरुकी जंतु होते हैं, अर्थात इसमें रीढ़ नहीं पाया जाता, ये तो आपको पता ही होगा कि अकशेरुकी हैं। और साथ ही इसमें देखें तो पॉलिप जो होता है सामान्यतः जो ऐसे वाले में होता है जो नॉर्मल होता है कोरल, उनमें कलरफुल वाला कोरल, इसमें जूजेंथिला पाया जाता है और पॉलिप पाया जाता है, लेकिन इसमें जो होगा ब्लैक में ये जूजेंथिला नहीं पाया जाएगा, ये इसकी अलग विशेषता है। क्योंकि जूजेंथिला जो है वो क्या करता है, कोरल के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करता है ताकि वो ग्रो हो सके। चलिए अगला हम देख लेते हैं, इसमें इसी में थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे, परवाल और जो सैवाल होते हैं नॉर्मल, इसमें परवाल और सैवाल, परवाल यहाँ पे जो देखेंगे आप परवाल को जो सूक्ष्म सैवाल होते हैं इसी को ही हम जूजेंथिला कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो सूक्ष्म सैवाल हैं इसी को जूजेंथिला कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनको बेसिक चीज़ें जो इम्यूनिटीज होती हैं वो पॉलिप प्रदान करता है, मतलब परवाल प्रदान करता है इनको बेसिक इम्यूनिटी। दोनों आपस में म्यूचुअल तरीके से रहते हैं, सहभोजिता के सिद्धांत के साथ काम करते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। वहीं देखें परवाल जूजेंथिला को प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक यौगिक प्रदान करता है और जो जूजेंथिला होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रकाश संश्लेषण के जैविक उप उत्पादों को परवाल को आपूर्ति करता है, मतलब दोनों एक दूसरे की चीज़ सहयोग करते हैं तो फिर इसका निर्माण होता है नॉर्मल कोरल रिप का। लेकिन इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं जो छोटे प्लैंकटन्स होते हैं उनको खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब कुछ विशेष जो शब्दावलियाँ उनके बारे में ध्यान रखिए, जैसे कि कोरल को कहते हैं समुद्र का वर्षावन। परवाल दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड कोरल होता है एक सॉफ्ट कोरल होता है, दोनों चीज़ों के बारे में आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि मेंस में इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको आइडियल कंडीशन क्या होता है परवालों के लिए, जैसे कि 23 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना आवश्यक होता है इनके जीवन सर्वाइव के लिए, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ तो सकता है 28 तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहाँ पे क्या किया गया, उसको डेंजरस घोषित करने की यूनेस्को ने मांग की है, मांग की जा रही है यूनेस्को से ताकि वो डेंजरस सूची में डाल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से वो विलुप्त हो रहे हैं परवाल। और दूसरी चीज़ देखें, ये सलाइन वाटर में पाया जाता है, मतलब अगर क्वेश्चन में दिए यूपीएससी में आपको ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, सलाइन वाटर में पाए जाएंगे, और जिसकी लवणता 27 से 40 के बीच में हो। ये सैलो वाटर में पाया जाता है, मतलब डीप सी में नहीं पाए जाएंगे, ये सैलो मतलब कम ही जल गहराई हो वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश जा सके, अर्थात 50 मीटर से कम गहरा हो। अब कुछ विशेष चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखें यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग के परवाल जीवन प्रणाली पर प्रभावों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए, जो परवाल होते हैं उनके लाइफ पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको उदाहरण के साथ आपको बताना था। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। हम अगर देखें तो किस तरीके का थ्रेट है इनके सामने, कोरल के सामने, पहले देखें हरिकेन को, जैसे नेचुरल और ह्यूमन दो हम क्लासिफाइड करके इसको समझेंगे। जैसे कि हरिकेन को, जैसे हरिकेन आने से इनका कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से विलुप्त होने के पूरे खतरे रहते हैं। टाइफून की वजह से भी इनको इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एल नीनो ला नीनो को जैसे भी इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर देखें एल नीनो को जैसे सूखा पड़ जाता है तो प्रॉब्लम होता है, ला नीनो को जैसे अत्यधिक बारिश हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है, दोनों के कंडीशन में कहीं ना कहीं इंपैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर वैसे देख अगर अधिक बारिश होगा तो कोई जरूरी नहीं फ्रेश वाटर ही मिले, उसके साथ साथ बहुत सारे जो मतलब क्षरण होता है मृदा का, मृदा क्षरण के साथ साथ अवसाद भी जमा होते हैं, और जब अवसाद जमा होते हैं तो इनके जो मुख होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ जो होता है यहाँ पे माउथ ये क्लोज हो जाता है, और जब क्लोज होता है डेड हो जाते हैं, ये भी समस्याएँ तो हैं इसके साथ। तो अत्यधिक वर्षा भी इसके लिए प्रभाव डालती है। कोरल ईटिंग, बहुत सारे लोग कोरल ईटिंग कोरल को खाते भी हैं, साथ साथ इनके इनमें डिजीज की समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं, ओशियन एसिडिफिकेशन की समस्याएं हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि ये किसके बने हुए हैं बताइए। अब यहाँ पे देखिए ओवर फिशिंग की वजह से भी ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। फिर कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, सीवेज एंड अदर पॉल्यूशन की वजह से, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, विश्व का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। केयरलेस टूरिज्म, मतलब ध्यान न देने वाले जो पर्यटक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते पूरा नष्ट करके ही आते हैं क्योंकि उन्होंने फी पेमेंट किया होता है, तो ऐसी भावनाओं के साथ जो पर्यटक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए खतरनाक हैं। साथ ही देखें इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है तभी इसके बारे में समझ पाएंगे, इसका संरक्षण क्यों करना चाहिए जब इसके महत्व को समझेंगे तभी कर पाएंगे। जैसे कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कोस्ट लाइन को, किससे करते हैं, स्टॉर्म से करते हैं, इरोजन से करते हैं, ये फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं। जैसे सुनामी जब आती है तो पहली बार ये सुनामी का प्रतिरोध करते हैं, कौन, कोरल रीफ करते हैं, उसकी स्पीड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं जिससे जान और माल का हान कम होता है।
फिर करते हैं कम्युनिटी को, जो लोकल कम्युनिटी वहाँ की, उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इससे अपना जीवन निर्वाह करें, क्योंकि ये काफ़ी डाइवर्स होता है, यहाँ से फिशिंग भी वो लोग कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं अपॉर्चुनिटी, किससे संबंधित, रिक्रिएशन से संबंधित ऑफर भी प्रोवाइड करते हैं। सोर्स है फूड का, मेडिसिन का भी ये सोर्स है, साथ ही साथ आधे बिलियन से अधिक जनसंख्या इस पर निर्भर है आय के लिए, भोजन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। देखें ये एक्सट्रीम वेदर में भी ये क्या करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं कोरल रीफ। साथ ही देखें ये कार्बन सिक्वेंसिंग के रूप में भी काम करते हैं, कार्बन सिक्वेटर के भी रूप में काम करते हैं, कार्बन सिंक के रूप में, क्योंकि ये कार्बन को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कोरल रीफ जो बेसिक होता है, ये हमारे जो अन्य इकोसिस्टम को क्रिएट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लार्ज एक्सपेंशन ऑफ सैंड, जो सैंड होता है बालू का, तटों के किनारे आप देखेंगे वहाँ पे इकट्ठा होता है, उसके साथ साथ धीरे धीरे वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट और अदर कोस्टल फॉरेस्ट क्रिएट होने लगता है, जिससे कहीं ना कहीं एक अलग इकोसिस्टम को जनरेट करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से हमने समझा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी समझ थ्रेट क्या है, और इसमें कुछ अन्य चीज़ें आप जोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं कि हमारे वहाँ जो फिशिंग हो रहा है, जो इस समय आप देखते होंगे नॉर्मल फिशिंग आज के समय में सीप के द्वारा होती है, और नीचे बड़े बड़े रोलर लगा दिए जाए जो ट्रैवल करते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसे छरड़ में होता है। ये तो सारी चीज़ हमने देख लिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं इनके संरक्षण के लिए, जैसे कि हम मन्नार की खाड़ी में देख सकते हैं, वहाँ पर भी संरक्षण के लिए धीरे धीरे उनको मरीन लाइफ, हम लोगों ने मरीन नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। साथ ही हम देखें तो अपने गल्फ ऑफ मन्नार में, वहाँ पर भी हम काफ़ी ज़्यादा संरक्षण कर रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी संरक्षण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सार्स थर्ड रेडियो टेलीस्कोप के बारे में देख लें तो देखिए इस, ये हमारे वहाँ का एक टेलीस्कोप है भारत का, और इसने कॉस्मिक डान नाम की एक गैलेक्सी है उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है, और इसे ये पता चला है ये जो गैलेक्सी है ये बिग बैंग के ठीक 200 मिलियन बाद बनी थी, मतलब ये बिग बिलियन के बाद की बनी हुई गैलेक्सी है। इसके निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सार्स थ्री टेलीस्कोप ने। वैज्ञानिकों ने इसके एक रेडियो ल्यूमिनेशन गैलेक्सी की विशेषताओं का निर्धारण किया, जिसका नाम है कॉस्मिक डॉन। आपको इसमें क्या याद रखना है, कॉस्मिक डॉन के बारे में पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये सार्स को, जो सार्स थ्री रेडियो टेलीस्कोप है इसी ने इसका अध्ययन किया है। इसको शुरू किसने किया, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको शुरू किया है, और इसका उद्देश्य है कि 2020 की शुरुआत में कर्नाटक के डंडीगल हल्दी में और सरस्वती झील, ये दोनों जगह इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें देखें मुख्य बात इसका क्या है कि भारत का एक लक्ष्य है कि सटीक रेडियो टेलीस्कोप का डिज़ाइन करना, निर्माण करना और स्थापित करना उसको, ताकि हम ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से समझ पाएँ, आकाश गंगाओं के बारे में अच्छी जानकारी रख पाएँ, ताकि इनसे संबंधित फ्यूचर में जो रिसर्च होने वाले हैं उनको और बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए सार्स थ्री रेडियो टेलीस्कोप के बारे में आपको याद रखना जरूरी है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये मतलब इनिशिएटिव है, इस ये बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडियो स्पेक्ट्रम इसका रेंज क्या होता है रेडियो स्पेक्ट्रम का, तो याद रखिए 3 kg से 3 kg हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक माना जाता है रेडियो स्पेक्ट्रम रेंज इसका होता है। चलिए अगला देखते हैं, 7th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ये क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए इसके महत्व को समझें, इसके पहले इसके बैकग्राउंड को समझना ज़्यादा जरूरी है। 2016 में होता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, और इसमें क्या होता है, बेंगलुरु में शुरू किया जाता है, और इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि भारत का जो फ्यूचर होगा डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के, उसके लिए हम किस तरीके से सोचें, जैसे कि आइडेंटिफाई करें हम कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा जॉब क्रिएशन पे, रेगुलेशन किस तरीके से किया जाए, क्या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, इन सभी बातों को लेकर के वार्तालाप करने के लिए इसका गठन किया गया था। इस बार दिल्ली में हो रहा है, 7वां हो रहा है, पहला कहाँ हुआ था 2016 में हुआ था और बेंगलुरु में हुआ था, यहाँ पर हो रहा है, और हमारा विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया एक इंस्टीट्यूट है, दोनों ने मिल करके इसकी मेजबानी की। इसका थीम क्या है, थीम आपसे पूछा जाता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसका थीम है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें सभी मतलब विदेश मंत्रालय के, सभी देशों के विदेश मंत्रालय या फिर कोई और हेड सरकार के हेड आकर के इसमें सम्मिलित होंगे, और टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा की जाएगी, और इसमें चर्चा ये की जाएगी कि टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स, डेटा हेल्थ और पब्लिक हेल्थ को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इन सभी पक्षों को लेकर के किस तरीके से लीड किया जाए, इनको सॉल्व किस तरीके से, क्या हम टेक्नोलॉजी के उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर बात की गई। इसमें US, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया और ब्राज़ील, भूटान, यूरोपियन यूनियन और अदर कंट्री भी सम्मिलित हुए हैं इसमें। इसमें क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये 7वां था, 7वां समिट था ये इस बार। दूसरी बात, इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, 2016 में बेंगलुरु में हुई थी, और 7वीं कहाँ हो रही, नई दिल्ली में हो रही है।
तो चलिए यहाँ पे थीम याद रखिए, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम है। चलिए अगला देखते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन। कमचटका प्रायद्वीप के बारे में पूछा गया यहाँ पे। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस का सुदूर पूर्वी रीजन है और देखेंगे हम ओखोत्स्क सी और बेरिंग सी ये दोनों के बीच में पड़ता है ये। यहाँ पे आपने कमचटका प्रायद्वीप देख लिया। अभी यहाँ पे दो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इतनी सी बात याद रखिए, ये रिंग ऑफ फायर में पड़ता है और 160 ज्वालामुखी यहाँ पे पाए जाते हैं लगभग, जो जिसमें से 29 अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये। और कुछ और चीज़ देखें तो यहाँ पे माउंट सेमारू के बारे में देख लीजिए। माउंट सेमारू अभी न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये। अभी ये फिर से दोबारा फटा है इसलिए न्यूज़ में था। ये भी रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट के बारे में। इसमें हम देख लेते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, सॉरी यहाँ पे पिक्चर गायब हो गया। ये हमारे जो 2022 का पहला उड़ान था। और दूसरी चीज़ देखें तो इसका पीएसएलवी के एक्सेल संस्करण में ये कौन सा है? 23 नंबर का सबसे शक्तिशाली संस्करण था 23 नंबर का। और पीएसएलवी का 54वीं उड़ान थी। इसमें 6 बूस्टर ऑन लगे हुए हैं। और कुछ इसमें और चीज़ याद रखना चाहेंगे तो इसमें याद रखिए कि इसका जो थर्ड था जो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था वो विफल हो गया था। बाकी 1 और 2 अभी भी कार्यरत हैं। इनको 2020 में किया गया था, दोनों भी कार्यरत हैं। थर्ड असफल हो गया था इसलिए फोर्थ लॉन्च किया गया यूएस को। और इसके साथ 2 और सेटेलाइट भेजे गए थे जैसे कि इंस्पायर सेट, इंटरनेशनल सेटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, इंस्पायर को भेजा गया था। दूसरा भेजा गया INS-2TD, इसको हम भूटान सेट भी कहते हैं, ये भूटान का था। इसको भी साथ में भेजा गया था किसको? अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट के साथ। इसमें क्या लिखा मतलब सेट किया गया? थर्मल इमेजिंग कैमरा सेट किया गया किसमें? INS-2D में या भूटान सेट में। इससे ये होगा कि भूटान अपने भूमि का, पानी का और यहाँ तक के तापमान का आकलन कर पाएगा, जंगल और वनों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएगा। आपको पता है कि जो कार्बन सरप्लस कंट्री है विश्व का वो भूटान ही है, इसलिए वो अपने स्टेटस को मेंटेन कर पाए। इस दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं भूटान सेट उसके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चलिए अगला हम देखते हैं यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। ये अभी जल्दी ही जारी किया गया। भारत के 4 स्थल इसको प्राप्त किए गए हैं, मतलब विनर रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है 2000 में। यूनेस्को एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हेरिटेज हैं उनको संरक्षित के लिए प्रयास करता है और इसलिए पुरस्कार प्रदान करता है। इसमें यह भी रखा गया है कि शुद्ध जल, मतलब जल का जो होता है सतत उपयोग हो, जलवायु परिवर्तन को कैसे हम टैकल करें, इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया इसमें एशिया प्रस्थान पुरस्कार में। और इसमें कुल देखें इस बार 6 देशों को चुना गया था, वहाँ से 13 परियोजनाओं को चुना गया था, जैसे कि अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान और नेपाल, थाईलैंड। ये 6 देश हैं जहाँ से 13 परियोजनाओं को चुना गया था। किसके लिए? एशिया प्रशांत पुरस्कार के लिए। सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का को पहला उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। विशिष्टता की श्रेणी में देखें तो गोलकुंडा की बावड़ी जो हैदराबाद में स्थित है उसको दिया गया। मेरिट पुरस्कार डोमकोंडा किला और तेलंगाना का जो डोमकोंडा किला है तेलंगाना में स्थित है इसको दिया गया मेरिट पुरस्कार में। वहीं अगर देखें भखला स्टेशन को दिया गया जो कि मुंबई में स्थित है। इन 4 जगहों को इस बार चुना गया था एशिया प्रशांत पुरस्कार में। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2022 में भारत के कितने स्थलों को दिया गया? तो 4 स्थलों को दिया गया। कौन कौन से हैं ये मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। तो इतनी सी बात है, आप याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो है मुंबई में इसको उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया था इस बार। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी के आसपास स्थित है, जैसे कि बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन ईरान हो गया, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब और UAE के बारे में दिया गया। पूछ रहा है कौन सा फारस की खाड़ी के आसपास स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जो यहाँ पे जॉर्डन है ये अकाबा की खाड़ी के पास स्थित है, न कि फारस की खाड़ी के पास, इसलिए हमारा सही आंसर सी हो गया। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये हो गया गल्फ ऑफ पर्शियन। गल्फ ऑफ पर्शियन के पास फारस की खाड़ी भी कहते हैं, इसको गल्फ ऑफ पर्शियन भी कहते हैं। यहाँ पे देखें आपको ईरान यहाँ पे दिख रहा होगा, ईरान है, फिर इराक यहाँ पे हो गया, फिर कुवैत हो यहाँ पे हो गया, फिर अगर देखें तो बहरीन, सऊदी अरब यहाँ पे हो गया, कतर यहाँ पे हो गया, UAE यहाँ पे हो गया। ये सारे देश यहाँ पे सम्मिलित हैं गल्फ ऑफ पर्शियन में। और अगर देखें हम यहाँ पे जॉर्डन की बात कर लें तो जॉर्डन यहाँ पे दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ अकाबा में स्थित है ये जॉर्डन, इसकी सीमा गल्फ ऑफ अकाबा से लगती है। डेड सी भी यहीं पे स्थित है कुछ है। और देखेंगे तो जॉर्डन रिवर यहाँ पे दिखती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर गल्फ ऑफ अकाबा की सीमा किन देशों से लगती है ये पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इजिप्ट,
इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब के साथ तीन देशों, यहाँ पे चार देश हैं, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब, चार देशों की सीमा लगती है किसे, गल्फ ऑफ अकबा से। थोड़ा सा और बड़ा इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पर्शियन गल्फ यहाँ पे है और हम यहाँ देख सकते हैं गल्फ ऑफ अकबा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड सी है, ये बाब अल मंदाब यहाँ पे है स्टेट, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ हरमूज स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है स्टेट ऑफ हरमूज। वहीं देखें यहाँ पे, चलिए इतना देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, ये सेट देखने के लिए धन्यवाद।